प्यारे बच्चों, हमने आपको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। हमारे साइंस की दुनिया में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ये माना जाता है कि ये जो है अपनी लाइफ में अपने मस्तिष्क का उपयोग अन्यों की अपेक्षा अधिक किया है। वैसे तो आप सभी लोग देखे होंगे कि एक साइंटिस्ट है स्टीवन हॉकिंस, जिनके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था, फिर भी वो वैज्ञानिक थे, अच्छे से पढ़ा लेते थे, बोल लेते थे, चीज़ों के बारे में बता देते थे। जो फैक्ट स्टीवन हॉकिंस दे दिए हैं, उन्हीं फैक्ट पर कितने सारे डेरिवेशंस हुए हैं और होते आ रहे हैं। सोचो, एक विकलांग, और वो अभी न चल पाते थे, न फिर पाते थे, न लिख पाते थे, न बोल पाते थे, उसके बाद भी वो आविष्कार करते थे। तो स्टीवन हॉकिंस की तोड़ तो कोई नहीं है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी लाइफ में बहुत जो है फेमस पर्सन है, इसलिए कि इन्होंने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही मात्रा में किया है। और आप जैसा कि जान रहे हो बेटा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक जो है थियरी प्रतिपादित की थी, सापेक्षिकता सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में जो है शायद बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप जो है बीएससी थर्ड ईयर की मैथ में पूरा एक पेपर पढ़ोगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैथ में पढ़ना पड़ेगा, है वो फिजिक्स की चीज़। मैथ में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो जो है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एक पेपर है जड़त्व आघूर्ण वाला, और एक पेपर जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता सिद्धांत। और थर्ड ईयर में अल्बर्ट आइंस्टीन के जो है एक समीकरण आपने पढ़ा होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित होता है, नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उसी तरह से ऊर्जा भी न तो नष्ट की जा सकती ना ही उत्पन्न। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह खोजा कि द्रव्यमान कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टर्म ऑफ एनर्जी, द्रव्यमान को ऊर्जा के पदों में बदला जा सकता है, और ऊर्जा को द्रव्यमान के पदों में बदला जा सकता है, और इस प्रकार द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, और ऊर्जा, आइंस्टीन ने एक जो है समीकरण डिराइव किया जिसके द्वारा द्रव्यमान से ऊर्जा या ऊर्जा से द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। किसी पदार्थ का अल्प द्रव्यमान डेल्टा एम अगर ऊर्जा में बदलता है तो प्राप्त ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है। और इसे आप सभी ने जो है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को पढ़ा हुआ है, और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को आप सभी लोग जानते भी हैं, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और ये सूत्र से आइंस्टीन कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गए थे। यह हमारे चैप्टर में आइंस्टीन से मुलाकात है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। तो आइंस्टीन ने यह थ्योरी बताई कि जब प्रकाश फोटान किसी धातु सतह पर आपतित होते हैं तो प्रकाश फोटान की यह ऊर्जा किसी एक परमाणु को प्राप्त हो जाती है, परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को। और जब जो है फोटान आपतित होते सतह पर, फोटान की ऊर्जा परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है, तो वह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा से सतह तक आता है और उसके बाद सतह के बाहर उत्सर्जित होता है। माने फोटान से प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन दो रूपों में खर्च करता है। फोटान से प्राप्त ऊर्जा का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन सतह तक आने में खर्च करता है, मीन्स कार्य फलन ऊर्जा में खर्च करता है, और शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है, गतिज ऊर्जा के रूप में उसकी ऊर्जा खर्च होती है। तो कल हमने एक्सप्लेन किया था कि इस प्रकार हम बोल सकते हैं प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन की कार्यफलन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र था HNU। कार्यफलन ऊर्जा माने जब जो है फोटॉन की आवृत्ति देहली आवृत्ति के समतुल्य हो, माने HNU0, और प्लस गतिज ऊर्जा EK।
तो एच न्यू इक्वल एच न्यू नाट प्लस ई के, और शायद विक्रांता के अनुसार एच न्यू नाट इधर ट्रांसफर हो गया था तो आ गया था एच न्यू माइनस न्यू नाट इक्वल ई के, या इसी को हम लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ई वी नाट। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में इकलौता एक सूत्र आपको दर्शन करने को मिल रहा है जिस पर सवाल मिलेगी लगाने को, इकलौता एक सूत्र, इसी एक सूत्र से सवाल हल होगी। अब यहाँ आइंस्टीन का ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर मिस्टर आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पांचों नियमों की व्याख्या की। तो प्रथम नियम की व्याख्या कैसे की, यहाँ पर देखो जरा, बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में कल परसों नर्सों से बन रहे हैं वो सब अब एक्सप्लेन हो जाएंगे व्याख्या करने के दौरान। तो ध्यान दीजिए जरा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुल पांच नियम बताए गए। पहला नियम था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्पन्न प्रकाश वैद्युत धारा आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। माने पहला नियम शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो प्रकाश वैद्युत धारा, यही पहला नियम है, आईपी समानुपाती आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता आई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट। तो ये बच्चों हमारा जो है पहला नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, आप सभी बच्चे समझ रहे हैं इसको, जान भी रहे हैं। अब इस नियम की व्याख्या, यह नियम सही है या गलत है ये साबित किया गया। देखो, प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, मतलब जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता बढ़ाते जाए तो धारा बढ़ेगी, और तीव्रता घटाते जाए तो धारा घटेगी। तो यहाँ पहले जानो प्रकाश की तीव्रता है क्या, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता क्या है। किसी धातु सतह पर एकांत समय में जितना फोटॉन आपतित होते हैं, फोटॉनों की संख्या ही प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। माने प्रति सेकंड आपतित प्रकाश फोटॉन की संख्या, प्रकाश फोटॉनों की संख्या, इसका मतलब होता है तीव्रता से। तो अब यहां समझो जरा, अगर हम कहें किसी धातु सतह पर प्रति सेकंड 10 फोटॉन गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता 10 है, और अगर किसी धातु सतह पर 15 फोटॉन गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता 15 है। तो प्रति सेकेंड आपतित होने वाले प्रकाश फोटानों की संख्या उस प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। अब अगर समझो ये धातु की सतह है और इस पर हम 10 तीव्रता वाला प्रकाश गिरा रहे हैं तो इसका मतलब इस पर कई फोटान गिर रहे हैं, 10। एक फोटान की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो अब अगर धातु सतह पर 10 फोटॉन गिर रहे हैं तो 10 फोटॉनों का कांटेक्ट 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से होगा। फोटॉन की ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन भाई साहब पा जाएंगे और बाहर निकलेंगे। तो अगर धातु सतह पर 10 जो है तीव्रता का प्रकाश आपतित हो रहा है, 10 फोटॉन एक सेकंड में गिर रहे हैं, एक सेकंड में 10 फोटॉन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉनों ने अब्जॉर्ब किया और उनकी ऊर्जा इस समीकरण के अनुसार कार्यफलन से ज्यादा हुई, सतह से बाहर निकले। माने अगर जो है धातु सतह पर 10 तीव्रता का प्रकाश आपतित हो रहा है तो इसका मतलब एक सेकंड में 10 फोटॉन गिरे, इसका मतलब एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली, इसका मतलब एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए। और जब एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए तो धारा I बराबर Q / T,
दस ई अपान एक माने धारा आई 10 ई एम्पियर। इधर क्लियर। अब अगर हम इस जो है सतह पर बढ़ी हुई तीव्रता का प्रकाश आपतित कराएं, तीव्रता बढ़ा देने का मतलब है कि 10 के बजाय 12 कर दें या 15 कर दें। सपोज करो अब हम धातु सतह पर 15 तीव्रता का प्रकाश आपतित कराएं, इसका मतलब अब हर सेकंड 15 फोटान धातु सतह पर गिरेंगे और इन फोटानों का कांटेक्ट 15 अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से होगा और 15 इलेक्ट्रॉन अब की बार एक सेकंड में बाहर आएंगे और इसलिए धारा I बराबर 15 ई अपान टी माने 15 ई एम्पियर प्राप्त होगी। जो धारा पहले 10 ई थी अब कितना हो गई, बढ़ गई ना। और अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह से तुम बता रहे थे कि यह सत्यापित हो गया, तीव्रता बढ़ाने पर एकांक समय में प्रकाश फोटानों के आपतन होने की संख्या बढ़ती है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होती है और अत्यधिक इलेक्ट्रॉन इकाई समय में बाहर उत्सर्जित होते हैं, धारा पहले की अपेक्षा बढ़ी हुई प्राप्त होती है। तो ज्यों ज्यों तीव्रता बढ़ाते रहोगे प्रकाश विद्युत धारा उसी लेवल में बढ़ती रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश फोटान प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। पहला नियम डिराइव हो गया। एनी डिस्टरबेंस, समझ में आया? जो क्वेश्चन बन रहे थे माइंड में क्लियर हो गए? तो बोल रहे थे आपको पढ़ाते ही समय कि थोड़ा शांत रहिए, आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे हम सब घटनाओं का, लेकिन आप लोग हैं कि उंगली करने लगते हो, मानते ही नहीं, बात ही नहीं। तो अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। दूसरे नियम की व्याख्या बच्चों सभी लोग गौर से समझिए कि दूसरा नियम है क्या। दूसरा नियम था प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। द्वितीय नियम, सारे नियम का डेरिवेशन करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, समझते जाइए, थ्योरेटिकल है। दूसरा नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यही है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा निर्भर नहीं करती तीव्रता पर, आपके प्रकाश की तीव्रता पर। तो यहां ध्यान दीजिए जरा, अगर धातु की प्लेट, यहां पर समझिए, धातु की प्लेट में जो परमाणु है, अगर इनके इलेक्ट्रॉनों, धातु की प्लेट में जो परमाणु है इनके इलेक्ट्रॉनों की कार्य फलन ऊर्जा अगर 10 जूल हो, कार्य फलन ऊर्जा कितनी हो, और इस पर जो प्रकाश आपतित हो रहा हो उस फोटान की ऊर्जा 8 जूल या 9 जूल हो। समझो जरा कि धातु सतह है और इलेक्ट्रॉन की कार्य फलन ऊर्जा कितनी है, माने अगर इलेक्ट्रॉन को 10 से ज्यादा जूल ऊर्जा प्राप्त होगी तभी वो सतह से बाहर जंप करेगा। पक्का? अगर जो है प्रकाश जो आपतित हो रहा है उस फोटान की ऊर्जा कम है, मान लो फोटानों में 8 जूल की ऊर्जा है, जबकि जो है इलेक्ट्रॉन की कार्य फलन ऊर्जा कितनी है, तो अगर ये फोटान इस पर गिरेगा, फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो 8 जूल मिल पाएगी, बेचारा सतह तक भी नहीं आ पाएगा, तो बाहर उत्सर्जित नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा केस रहे, माने यदि फोटान ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कार्य फलन ऊर्जा के बराबर या कार्य फलन ऊर्जा से भी कम रहे, कार्य फलन ऊर्जा से ज्यादा न रहे, तो ऐसी स्थिति में जब फोटान आपतित होंगे सतह पे, जैसे हमने चित्र में बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की कार्य फलन ऊर्जा 10 जूल है,
ये श्योर सत्य हो गया कि इस पर वह फोटॉन आपतित हो जिसकी ऊर्जा 10 से ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन जो है उस ऊर्जा को ग्रहण करके सतह के बाहर आ पाएगा। और अगर हमारे धातु की सतह का कार्य फलन ऊर्जा 10 जूल है और इस पर जो फोटॉन गिर रहा है इसकी ऊर्जा 8 जूल है, तो एक फोटॉन गिरा, एक फोटॉन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिले, लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर जम कर सके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश उत्सर्जन नहीं दिखाएगा। अब अगर इस कंडीशन में हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, आपतित प्रकाश तीव्रता बढ़ा दें मतलब हम जैसे तीव्रता पहले 10 थी 20 कर दें, तो हमने तीव्रता बढ़ा दिया, एक सेकेंड में अब पहले के बजाय 20 फोटॉन गिरेंगे, लेकिन फोटॉनों की ऊर्जा तो नहीं बढ़ी है, फोटॉनों की ऊर्जा तो 8 जूल है, ज्यादा फोटॉन आके गिर गए, ज्यादा नंबर में फोटॉन हो गए, उनकी खुद की ऊर्जा नहीं बढ़ी। तो जब ज्यादा फोटॉन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से वो कांटेक्ट करेंगे, अब की बार 20 इलेक्ट्रॉनों का कांटेक्ट होगा इन 20 फोटॉनों से, लेकिन हर फोटॉन की ऊर्जा 8 जूल है, कम है, इसलिए कोई भी फोटॉन सक्षम नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो और तीव्रता बढ़ा दो, आप प्रकाश की तीव्रता और बढ़ा दो, 30 कर दो, तो फिर से एक सेकंड में पहले से और ज्यादा जो है फोटॉन गिर जाएंगे, 20 से 30 फोटॉन गिरेंगे, लेकिन अफसोस फोटॉन ज्यादा गिरा रहे हो, लेकिन कोई भी फोटॉन समर्थ नहीं हो पा रहा किसी एक भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि फोटॉनों में ऊर्जा कम ही है, क्योंकि तीव्रता हम बढ़ा रहे हैं तो फोटॉन की संख्या ही बढ़ पा रही है, फोटॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ पा रही है। अगर फोटॉन की ऊर्जा बढ़ जाती तो ज्यादा ऊर्जा वाले फोटॉन, जब ज्यादा ऊर्जा वाले फोटॉन का संपर्क इलेक्ट्रॉन से होता तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन का फिर उत्सर्जन बन जाता। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो प्रति सेकंड फोटॉन ज्यादा गिरेंगे, लेकिन किसी फोटॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ रही है इस केस में, तो बढ़े हुए संख्या में या ज्यादा संख्या वाले फोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी कि वह सतह के बाहर उत्सर्जित हो सके, माने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रदर्शित हो सके। तो यहाँ ये संभव हो गया कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, तीव्रता बढ़ाने पर या तीव्रता घटाने पर फोटॉनों की संख्या घटती या बढ़ती है, फोटॉन की ऊर्जा नहीं घटती बढ़ती, इसलिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम ऑटोमेटिकली इससे समझ गए कि तीसरा नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो अब अगर यहां इन इलेक्ट्रॉनों की कार्य फलन ऊर्जा 10 जूल हो और जो फोटॉन गिर रहे हैं उनकी ऊर्जा 8 जूल हो, लेकिन अगर इन फोटॉनों की आवृत्ति बढ़ा दिया जाए, हमको पता है प्रकाश फोटॉन ऊर्जा E बराबर H न्यू, प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा न्यू पर डिपेंड करती है, तो अब अगर अब के केस में हम फोटॉन की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फोटॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, हो सकता है उसकी ऊर्जा 8 से बढ़कर 11-12 जूल हो जाए और तब बड़ी ऊर्जा वाले फोटॉन गिरेंगे सतह पर, तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पाएगा, उसकी ऊर्जा कार्य फलन से ज्यादा रहेगी तो सतह से बाहर उत्सर्जित हो सकता है। माने अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाए तो आवृत्ति पर डिपेंड करती है फोटॉन की ऊर्जा, E बराबर H न्यू होती है, तो माने फोटॉन की ऊर्जा बढ़ सकती है ना। तो अब ये स्पष्ट है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति हम बढ़ाते हैं तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से फोटॉनों की ऊर्जा बढ़ सकती है और जब बड़ी ऊर्जा वाले फोटॉन सतह पर आपतित होंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है। तो ये तीसरा रीजन था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन डिपेंड करता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया, तीसरे नियम की व्याख्या हो गई। प्यारे बच्चों यहां पर देखो जरा,
एच म्यू माइनस म्यू नॉट बराबर ई के। अगर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन चाहिए तो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा चाहिए जिससे उनका जो है सतह से उत्सर्जन हो सके, गतिज ऊर्जा रिक्वायर्ड है। ये सूत्र क्या दिखा रहा है? सूत्र से ये स्पष्ट है एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई के। अब अगर न्यू का मान न्यू नॉट से कम रहे, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रहे, तो अगर ये गिनती कम रहेगी तो इधर उत्तर ऋण में आएगा ना, माने गतिज ऊर्जा मिलेगा और जो न होगा चाहिए खुद जो न बाहर सब सतह तक में, तो माने ऐसी कंडीशन में अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होए तो कौनों भी ऊर्जा न मिल पाए इलेक्ट्रॉन के गति और यदि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन न होए। दूसरी कंडीशन, अगर म्यू का मान म्यू नॉट के बराबर रख देगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर कह दी, तो न्यू माइनस न्यू नॉट दोनों बराबर होए पे जीरो हो जाए, तब गति ऊर्जा ना मिल सका, तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना हो सका। तो कहने का मतलब यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रहेगी तब भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगी तब भी प्रकाश का जो उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, तो एक ही केस तो बचता है। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे न्यू का मान इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, माने स्पष्ट है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। चौथे नियम की व्याख्या हो गई। ओके, पांचवा नियम लॉजिकल दिया गया कि जैसे ही प्रकाश फोटॉन सतह पर आपतित हुए एटम्स उस फोटॉन की ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित हुई और उसका उत्सर्जन स्टार्ट हो गया, यही वजह है कि प्रकाश फोटॉनों के आपतन और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती। लॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रयोग क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पांचों नियम क्या हैं और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पांचों नियम का विधिवत व्याख्या हो गई। इस चैप्टर में एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। हालांकि पहले अलग रहता था लेकिन अब की बार इस चैप्टर में जुड़ गया है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर की एक हेडिंग होती थी डेविसन जर्मर प्रयोग, अब वो हटा दी गई है कोर्स से, कोरोना खा गया है उसको, दो सालों से कोर्स से हट गया है डेविसन जर्मर प्रयोग। और एक टॉपिक रहता था दो साल के पहले ही हट गया, यक्ष किरणों का विलक्षणिक वक्र, यक्ष किरणों की व्युत्पत्ति, यक्ष किरणों के गुण, वह भी हट गया है इस लेसन से। तो ये लेसन बहुत ही छोटा हो गया, सही से यहाँ तक लेसन समाप्त हो गया। एक टॉपिक इसमें जुड़ गया है ड्यूअल नेचर, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य, फोटॉन तरंग दैर्ध्य, बड़ा मस्त टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, मैं पढ़ाऊंगा, पहले इतना लिखा लूँ तब तो।